महासंग्राम 2024 और महासंग्राम में सबसे पहले बात हम करेंगे अमित शाह की। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का शंखनाद एक तरह से कर दिया है। कोंडागांव में बीजेपी नेताओं को शाह ने जीत का मंत्र दिया, तो वहीं जांजगीर में कांग्रेस के गढ़ में हुंकार भरी। उधर उनके दौरे पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि विधानसभा चुनाव में झूठ बोलकर बीजेपी सत्ता में आई है, अमित शाह के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस को चुनौती ही नहीं मान रही। बहनों, मैं छत्तीसगढ़ की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। हम 2014 में आए, 11 में से 10 सीटें आपने भाजपा को दी। 19 में आए, 11 में से 9 सीटें भाजपा को दी और अभी अभी विधानसभा चुनाव में आए तो आपने छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बहुमती से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, जिन्होंने ना नक्सलवाद पर लगाम कसी, छत्तीसगढ़ के लोगों को न्याय दिया और लाखों करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार कर छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के साथ अन्याय करने का काम किया। तो कांग्रेस के किले को भेदने के प्लान के तौर पर इसे देखा जा रहा है। वजह दरअसल यह है कि विधानसभा चुनाव में ज्यादातर जो सीटें हैं, जांजगीर लोकसभा से जुड़ी हुई ज्यादातर जो सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में गई हैं। यही वजह है कि फुल प्रूफ प्लान करके यहां पर ये सभा रखी गई है। युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा युगल के पास हम आपको लिए चलेंगे। युगल, वैसे तो बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, पर जब केंद्रीय गृह मंत्री आ जाएं, संकल्प में हाथ उठवा दें, तब बात अलग हो जाती है। युगल, देखिए ललित, छत्तीसगढ़ में अगर हम बीजेपी की जीत की बात करें तो एक बड़ी जीत हुई थी, लेकिन जांजगीर लोकसभा में 8 सीटों पर बीजेपी की करारी हार हुई, एक भी सीटों पर खाता नहीं खुला। यही वजह है कि जांजगीर लोकसभा अब संशय नजर आ रहा है। लेकिन ये भी बात है कि बीते अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य गठन की बात करें तब से लेकर के अब तक जांजगीर लोकसभा में हमेशा से बीजेपी के ही सांसद रहे हैं। दो बार कमला देवी पाटले तो दो बार गुहाराम अजगले। इसे जब से आरक्षित सीट हुआ है तब से यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन एक इशारा ये भी है कि जो विधानसभा की सीटों पर करारी हार हुई है और जांजगीर जिले की जनता की तासीर ऐसी रही है कि वो जिनके सरकार होते हैं उनके विधायक नहीं चुनते हैं, तो कहीं ना कहीं पसोपेश की स्थिति है। यही वजह है कि बड़ी सभा है अब जो बिलासपुर क्लस्टर की वो जांजगीर लोकसभा क्षेत्र पर आयोजित की गई। अमित शाह यहाँ पर आए और महती सभा को उन्होंने संबोधित किया। अगर हम पिछले चुनाव की आंकड़े की बात करें ललित, तो 2014 में एक सीट पर 11 में से एक लोकसभा सीट पर कांग्रेस की जीत हुई और 2019 के जब चुनाव हुए तो 2 सीटों पर बस्तर और जांजगीर जो की सीट पर जीत हुई। तो कहीं ना कहीं बीजेपी है 11 में से 11 सीट जीतना चाहती है। यही वजह है कि पूरी ताकत है बीजेपी है लोकसभा चुनाव को लेकर के झोंक दी है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे, डिकोड कर रहे थे इस रैली को। अब भोपाल लिए चलते हैं, बीजेपी की बड़ी बैठक, लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन। बैठक के बाद वीडी शर्मा ने बयान दिया, पीएम मोदी के दिए टारगेट को लेकर चर्चा हुई है। आंकड़ा क्या चुना गया अद्भुत देखिए, तैयारियां देखिए। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने के टारगेट पर रणनीति बनी है। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का टारगेट रखा गया है। मध्य प्रदेश की आज उसकी बैठक थी। राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन, माननीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन और उस निमित्त लोकसभा के चुनाव की तैयारी की दृष्टि से हम पहले से काम पर तो लगे ही हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान
धारा 370 के लिए जो हुआ, तो उस भाव के साथ हर बूथ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 370 वोटों का समर्पण भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपनी अथक मेहनत और परिश्रम से करेंगे, जो 10% वोट शेयर का हमारा संकल्प है। इसको लेकर के आज सभी पदाधिकारियों ने व्यापक तौर पर तैयारी, आज माइक्रो मैनेजमेंट के साथ हम इस चुनाव में प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ने के संकल्प के साथ और प्रत्येक बूथ पर जीत हासिल करेंगे, इस पर हम आज हमने तैयारी शुरू की है। इधर लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में बीजेपी अपनी रणनीति को अब अमली जामा पहना रही है। बीजेपी ने अगले 100 दिन के लिए एक मेगा प्लान बनाया है। इधर बीजेपी की तैयारियों पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस कह रही है कि चुनाव के समय ही बीजेपी इस तरह के प्लान बनाती है। चुनाव जीतने के लिए चुनावी रणनीतियां सियासी दल बनाते हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति को सर अंजाम देना शुरू कर दिया है। शनिवार को दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक में 25 फरवरी से शुरू हो रहे 100 दिन के जनसंपर्क अभियान पर मंथन किया जाएगा। इस बैठक में केंद्रीय नेतृत्व के साथ ही राज्यों के आला नेता शामिल होंगे। 100 दिन के जनसंपर्क अभियान में बीजेपी अलग अलग वर्ग को साधने की कोशिश करेगी। दलित बस्तियों में योजनाओं का जिक्र किया जाएगा। लाभार्थियों के घर घर कार्यकर्ता पहुंचेंगे। दलित बस्तियों में राम मंदिर का ज्यादा जिक्र नहीं होगा। अभियान को लेकर बीजेपी का कहना है कि लाभार्थियों से पार्टी का संपर्क हमेशा रहा है और ये योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए होता है। बीजेपी ने हर वर्ग के लिए कार्य योजना तैयार की है और आने वाले समय में इसे पूरा किया जाएगा। सतत संपर्क और संवाद भारतीय जनता पार्टी की निरंतर चलने वाली कार्य पद्धति है। चुनाव हो या ना हो, ये निरंतर चलता रहता है। चुनाव की दृष्टि से वृहद संपर्क अभियान, जिसमें अलग अलग वर्ग हैं, हितग्राही हैं, बुद्धिजीवी हैं, ये सब संपर्क हमारा कार्यकर्ता करेगा, ताकि 10% अधिक वोट शेयर मोदी जी के नेतृत्व की सरकारों ने जो काम किए जनता के बदलने, उनको पहुंचा के हासिल किया। उधर बीजेपी के जनसंपर्क अभियान पर कांग्रेस ने निशाना साधा और आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ चुनाव के लिए दलित और आदिवासियों को याद करती है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दलित और आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, इस पर पार्टी जवाब क्यों नहीं देती? देखिए, सबसे पहले तो दलित आदिवासियों के लिए ये बताया कि उनकी आबरू सुरक्षित रहे, उनकी जान सुरक्षित रहे, क्योंकि भाजपा सरकार में इसी मध्य प्रदेश में हम सब ने देखा, किसी को सीधी का पेशाब कांड कोई भूल सकता है क्या? खुले तौर पर एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब किया। अभी कुछ दिन पहले बैतूल में जिस तरह से एक नंगा करके उल्टा लटका के बेचारे एक आदिवासी को पीटा जा रहा था, और भी कई हत्याएं हुई हैं, बलात्कार हुए हैं। सबसे पहले भाजपा उनका जीवन सुरक्षित करे, उसके बाद जो भी अभियान चलाने हैं आप चलाएं। वैसे भी आप हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, आपने जो जनता से वादे किए वो उनकी तरफ तो आपका कहीं कोई ध्यान नहीं है। चुनाव को जीतने के लिए हर दल अपनी रणनीति तैयार करता है। रणनीति जनता के बीच जाने और उसके मुद्दों को सरोकार बनाने की होती है। जाहिर है, इस पर सियासत भी होती है। यही वजह है कि कांग्रेस बीजेपी के जनसंपर्क अभियान पर निशाना साध रही है। लेकिन ये कांग्रेस को भी बखूबी पता है कि चुनाव में इसका फायदा होता है। रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश। इधर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन में बीजेपी ने चौंकाया था। माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी एक बार फिर चौंका सकती है। युवाओं को तरजीह देने वाले जीतू पटवारी के बयान के बाद कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस भी चौंकाने के मूड में है। उम्मीदवारों को लेकर जो बीजेपी कांग्रेस दोनों में जबानी जंग भी शुरू हो चुकी है। अपनी चुनावी रणनीतियों से चौंकाने वाली बीजेपी ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारकर राजनीति के पंडितों को चौंकाया था। माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के सिलेक्शन से बीजेपी एक बार फिर चौंकाएगी। जानकारों की माने तो कई सिटिंग सांसदों की सीट खतरे में है। मसलन
सतना से गणेश सिंह, रीवा से जनार्दन मिश्रा, मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते का टिकट खतरे में है। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, बालाघाट से ढाल सिंह बिसेन, इंदौर सांसद शंकर लालवानी का टिकट भी खतरे में बताया जा रहा है। ग्वालियर से विवेक शेजवलकर, सागर से राजबहादुर सिंह, विदिशा से रमाकांत भार्गव का टिकट भी खतरे में है। गुना से केपी यादव का टिकट भी कट सकता है। 74 साल के नजदीक उम्र वाले सांसदों के टिकट पर भी सस्पेंस है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी 15 नए चेहरों को लोकसभा में उतार सकती है। बीजेपी के नए चेहरों पर दांव लगाने की खबरों के बीच कांग्रेस और बीजेपी में जबानी जंग भी शुरू हो गई है। बीजेपी को टिकट बदलने की जरूरत नहीं, उनको उनकी नीति और नियत बदलने की जरूरत है। उनकी नीयत जो भ्रष्टाचार से भरी हुई है, वो नीयत जो कहीं ना कहीं लोगों को अपने आप को गुलाम समझने की बनी हुई है। मध्य प्रदेश में आदरणीय 90% से ज्यादा सांसद ना तो इनके क्षेत्र में पलट के आते हैं, ना कोई जनता के लिए काम करते हैं, और सिर्फ भगवान के नाम पे वोट मांग के इधर उधर निकल जाने का काम करते हैं। जनता प्रताड़ित होती रहती है। गुण दोष के आधार पर जीतने वाले उम्मीदवार को लेकर उस पर मंथन होता है और उस पर टिकट की घोषणा होती है। इसलिए ये कहना जल्दबाजी है कि चेहरे बदले जा रहे हैं, नहीं बदले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अभी राष्ट्रीय परिषद में कहा कि कमल हमारा चेहरा है, आप कौन व्यक्ति चुनाव लड़ेगा इस पर मत जाइए, कमल हमारा चुनाव चिन्ह है और हमारी रीति नीति विचार हमारा प्राण है। उधर कांग्रेस की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष पटवारी ने 50% टिकट युवाओं को देने की घोषणा की है। जानकारियों की माने तो कांग्रेस के सीनियर नेता चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। सिंधिया जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की कमी नहीं है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं राज्यसभा का अभी सदस्य हूँ और 2.5 साल मेरे पास और है, इसलिए अभी मेरा कोई इरादा लोकसभा चुनाव लड़ने का नहीं है। 2019 में बीजेपी ने 29 में से 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी, तब प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी। अब जबकि लोकसभा चुनाव होंगे, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी 29 की 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है। हालांकि नए चेहरों को मौका मिलने की खबरें दोनों दलों से आ रही हैं। ऐसे में कई दिग्गजों की सांस टिकट कटने के डर से थमी हुई है, तो कई नेता इसे सियासी पिच पर बैटिंग करने का मौका भी मान रहे हैं। प्रशांत कटारे, न्यूज 18, मध्य प्रदेश। इधर इंडी गठबंधन में आम आदमी पार्टी और एसपी के साथ कांग्रेस के सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर ऐसा लगता है कि बात बन गई है। सूत्रों के मुताबिक गुजरात, हरियाणा और असम में आपसे बात तय हो गई है, जबकि मध्य प्रदेश में एसपी को कांग्रेस ने खजुराहो की सीट दी है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर नफे नुकसान को लेकर अब सियासत भी हो रही है। शोर से लोकसभा चुनाव में दावेदारी पेश करने का दावा किया था, वो दावा समय बीतने के साथ ही हवा हवाई साबित होने लगे। गठबंधन से एक एक कर दल किनारा करने लगे और गठबंधन की गांठ गहरी दिखने लगी। लेकिन इस बीच खबरों के मुताबिक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में 3 राज्यों में शेयरिंग पर बात बन गई है। मसलन दिल्ली में आप 4 तो कांग्रेस 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। गुजरात में 2 से 3 सीट पर आप चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को 1 सीट, असम में आपको 1 सीट मिलेगी। गुजरात में भरूच और भावनगर आपके खाते में, हरियाणा में अंबाला या सिरसा की सीट मिल सकती है। इस बीच एमपी में कांग्रेस ने एसपी को 1 सीट दे दी है। खजुराहो पर एसपी उम्मीदवार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगा। उधर इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात बनते दिख रही है, तो वहीं इस मसले पर नफे नुकसान को लेकर सियासत भी होने लगी है। बीजेपी ने खजुराहो सीट पर कांग्रेस पर छलने का आरोप जड़ दिया। जिस तंग दिली से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को सीटें दी हैं, उसी तंग दिली से जनता जमानत जब्त कराएगी अब कांग्रेस की। और जहां तक खजुराहो लोकसभा सीट है, वो तो गठबंधन में कांग्रेस ने सपा को छला है। कांग्रेस जानती है कि उस सीट पर कांग्रेस की या किसी भी अन्य दल की जमानत जब्त होगी, क्योंकि विधानसभा में सभी सीटें उस लोकसभा की कांग्रेस और विपक्षी दल हारे हैं। उधर कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को खारिज किया।
साथ ही कहा कि गठबंधन के कदम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, बीजेपी घबरा रही है। भारतीय जनता पार्टी को बड़े बोल बोलने की आदत है, 6 फुट की जवान है, कुछ भी कह सकते हैं वो, लेकिन चुनाव के परिणाम और जनता के बीच का जो भरोसा है वो बताएगा कि चुनाव के परिणाम क्या होंगे। आज क्या हो रहा है किसानों पर, आज क्या हो रहा है विद्यार्थियों पर, आज क्या हो रहा है जो यूपी में के सारे परीक्षा परिणाम लीक हो गए, पेपर लीक हो गए। ये व्यवस्था है, ये रामराज्य है, इसी रामराज्य से तो जो है जनता अपना मन बनाए बैठी है। आम आदमी पार्टी और सपा के साथ कांग्रेस ने भले सीट बंटवारा कर लिया है, लेकिन अभी भी कई इफ और बट है। एनडीए गठबंधन का दावा भले ही ऑल इज वेल का है, लेकिन जानकारों की माने तो इस समझौते में कांग्रेस बैकफुट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।